अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल राइस, फ्राइड राइस। तो शुरू करते हैं। ये मैंने वेजिटेबल्स कट की हैं, शिमला मिर्च और गाजर। अच्छा, इधर मैंने चावल बॉईल करके रख दिया है। अच्छा, इधर मैंने दो अंडे लिए हैं, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और जर्दे का रंग डाला है और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है। अब इधर ऑयल में प्याज डालिए। ऑयल के अंदर मैंने ये अंडा फेंट के डाल दिया है, उसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स डाल दिए हैं और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर डाला है और लहसुन डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा लहसुन डाला है मैंने। अच्छा, इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर चाइनीज़ नमक डाला है, अजीनोमोटो, और थोड़ा सा सिंपल नमक डाला है और इसके अंदर थोड़ी सी मैंने चीनी डाली है, एक चम्मच। अच्छा, बाकी इसमें मैंने कोई सॉसेस नहीं डाले, ना जो चाइनीज़ सॉस होते हैं, चिली सॉस, सिरका और सोया सॉस, कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ सिंपल बस यही डाला है मैंने। अब मैंने इसमें बॉईल हुए हुए चावल ऐड कर दिए हैं और हम इसके ऊपर थोड़ा सा चिकन पाउडर डालेंगे। इसके ऊपर मैंने चिकन पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड की है। बहुत ही इजी रेसिपी है, आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।